बीजेपी नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की जैसी ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, सारे के सारे राज खुलते हुए नजर आने लगे। उनकी मौत से जुड़े काफी सारे हैरान कर देने वाले खुलासे रोज ही हो रहे हैं, और अब ऐसे में नाम आता है उस ड्रग्स का जिस ड्रग को देकर सोनाली फोगाट को बेसुध किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी ड्रग्स के बारे में कि आखिर ऐसा कौन सा ड्रग्स था जिसे सोनाली फोगाट की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, सोनाली फोगाट की मौत काफी ज्यादा हैरान तरीके से की गई है। पहले उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, सारी की सारी बातें साफ हो गई कि उन्हें ड्रग्स देने के बाद मौत के आगोश में धकेला गया है। उनके आरोपी यानी कि सुधीर सांगवान ने इस बारे में काफी बड़े खुलासे करते हुए बताया कि हाँ, उन्होंने उनको ड्रग्स दी थी, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम से वो ड्रग्स भी जब्त कर ली गई। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उस ड्रग्स का नाम क्या है। उस ड्रग्स का नाम है मेथामफेटामाइन। दोस्तों, ये वो ड्रग है जिसने सोनाली फोगाट की जिंदगी छीन ली। इस ड्रग की खोज 1893 में हुई थी। इसे क्रैंक स्पीड और मैथ नाम से भी जाना जाता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल ड्रग्स होता है। ये एकदम से इंसान की बॉडी पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से असर डालता है। आपको बता दें कि इसका MET यूरिन टेस्ट के जरिए टॉयलेट में इस ड्रग का पता किया जा सकता है। आमतौर पर इसका असर 6 से 8 घंटे तक रहता है, हालांकि इसका असर 24 घंटे तक भी रह सकता है। इसे लेने वाले शख्स को यूफोरिया यानी कि बेहद खुशी का एहसास होता है। दिखने में ये ड्रग चमकदार क्रिस्टल जैसी लगती है, और बात करी जाए इसके स्वाद की तो ये ड्रग कड़वे तरीके से पाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये ड्रग सीधा इंसान के दिमाग पर असर करता है। ये सीधे इंसानी दिमाग को अपना निशाना बनाता है। इसमें इंसान के अंदर एक भ्रम, मति भ्रम, गुस्सा और हिंसा जैसी चीजें जन्म लेती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस ड्रग को लेने के बाद इंसान को एक टेम्पररी खुशी महसूस होती है, और यही वजह है कि इंसान इसे बार बार लेने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन लंबे वक्त तक इसे लेने से दिमाग और दिल पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसके बेहद अधिक खुराक लेने से ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसकी ओवरडोज लेने से इंसान में अजीब अजीब तरह के चेंजेस आने दिख जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होना, हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें आपकी बॉडी में दिखाई देने लग जाती हैं। दोस्तों, सोनाली फोगाट को भी यही ड्रग दिया गया जब उनकी मौत हुई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। दोस्तों, बीजेपी नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट को मौत से पहले गोवा के रेस्टोरेंट में आरोपियों ने मेथामफेटामाइन नाम का ही ड्रग दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पुलिस ने सोनाली फोगाट के PA और उनके दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उन आरोपियों ने अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, 23 अगस्त को सोनाली फोगाट ने गोवा में अपनी अंतिम सांसें ली। पहले उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया कि उनका किस तरह से मर्डर किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इस मर्डर के बारे में हर किसी को तब ज्यादा शक होने लगा जब उनकी फैमिली ने कई बड़े खुलासे किए। आपको बता दें, उनके फ्यूनरल में मुखाग्नि भी उनकी बेटी ने उनको दी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।